माननीय सदस्य संदेश सरावगी ने सदन के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही है, ये सबको कहने का अधिकार है। आप लेकिन मैं आपत्ति करता हूँ कि इन्होंने कहाँ गया महबूब के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है सदन के भीतर, जहां चौथा दिन भी बेहद हंगामेदार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सदन के भीतर बीते दिनों बीजेपी और माले विधायकों में जमकर बवाल हुआ था, जहां सबसे पहले माले विधायक महबूब आलम ने बीजेपी पर ये आरोप लगाया था कि ये लोग सावरकर की औलाद है, अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले लोग हैं ये, जिस पर बीजेपी की तरफ से जमकर कटाक्ष बोला गया था। और इसी कड़ी में दरभंगा विधायक संजय सरावगी ने माले विधायकों को कहा था कि आप लोग औरंगजेब की औलाद है। जिस पूरे मसले को लेकर बिहार विधानसभा में बवाल मचा हुआ है, और आज बजट सत्र के चौथे दिन एक तरफ जहां बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है तो दूसरी तरफ माले विधायक है, और दोनों एक दूसरे से माफी मांगने की जिद पर अड़े हुए हैं। संजय सरावगी ने साफ कह दिया कि हम पहले माफी नहीं मांगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि शुरुआत तो आपके तरफ से की गई थी। अब हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे सदन के भीतर का, देखिए किस तरीके से सत्र के शुरू होने के साथ ही माले विधायक और बीजेपी आपस में आज एक बार फिर भिड़ गए। एक दूसरे से माफी मंगवाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। देखिए इस वीडियो को। कम बात है कि कल भोजनावकाश के बाद माननीय सदस्य संदेश सरावगी ने सदन के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही है, ये सबको कहने का अधिकार है। लेकिन मैं आपत्ति करता हूँ कि इन्होंने कहाँ गया महबूब माननीय के खिलाफ है। माननीय सदस्य रामबाली सिंह जी करता है, आप बना वचन भाषा में माननीय सदस्य बात करते हैं कि हम अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल आप स्थान ग्रहण करें। सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सबको संयम की जरूरत है, और हम लोगों के अनुपस्थिति में अगर जो कोई माननीय सदस्य हम लोग के तरफ इशारा करके कितने शब्दों का गाली के बतौर उन्होंने उपयोग किया है, महोदय उनको क्षमा मंगवाना चाहिए महोदय को। और महोदय इस तरह की परंपरा सदन की नहीं बढ़नी देनी चाहिए, सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए एक्शन लेना चाहिए, सबको संयम की जरूरत है। लेकिन महबूब जी जो है उसके बाद वो सब नहीं हटा, माननीय सदस्य का प्रतिक्रिया स्वरूप के तरफ इस तरह की वातावरण बन रहा है, ये इतने शब्दों सदन के लिए कतई उचित है। बताओ अगर जो प्रतिष्ठा प्राप्त करना महोदय उनको क्षमा मंगवाना चाहिए महोदय को ध्यान में रखें। और महोदय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा सदन की